अपहरण हत्या बलात्कार मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जो दांतों छूटते हैं सुराग, इन सुरागों के बिना पर मिलती है सजा, लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आई नजर डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। गाजियाबाद में 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार, ड्राइवर की लापरवाही ने ली 3 लोगों की जान, 4 लोग हुए घायल, चालक गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में 18 महीने बाद ड्रम में मिला महिला का कटा हुआ शव। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद में 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ दरिंदों ने एक 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। बच्ची के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सभी को हैरान कर देने वाली है। शव मिलने के बाद बच्ची के माता पिता ने उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई थी। गाजियाबाद में पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के इस मामले की जांच और खुलासा करने के लिए 14 टीमों का गठन किया है। पुलिस ने अभी तक परिवार के पड़ोसियों समेत 50 से ज़्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर को घर के बाहर खेलते समय बच्ची लापता हो गई थी। अगले दिन साहिबाबाद इलाके में कुछ राहगीरों ने जंगल में बच्ची का शव पड़ा हुआ देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल की जांच की थी। पुलिस को मौके पर पहुंचा देख एक रस्सी भी वहां से बरामद हुई। बच्ची के पिता ने पूर्व में भी दुष्कर्म और हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुष्टि हो गई है। साहिबाबाद के थाना प्रभारी सचिन मलिक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुष्टि हुई है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। मौत के कारण गला घोटना हुआ है। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। आशंका है कि बच्ची ने दरिंदों से भी बहुत संघर्ष किया होगा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस की 14 टीमें गठित कर ली गई है। ड्राइवर की लापरवाही ने ली 3 लोगों की जान, 4 लोग हुए घायल, चालक गिरफ्तार। बेंगलुरु मंगलुरु राजमार्ग पर सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं के समेत 3 लोगों की मौत हो गई। रामनगर जिले में नारायण पाल्या गेट के पास एक माल वाहन के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से मालवाहन खाई में गिर गई। मृतकों की पहचान मंजुनाथ, लक्ष्मा और रत्नामा के रूप में हुई थी, जो नांग मंगला के पास बेंगलुरु में रहने वाले। मृतक 3 अन्य लोगों के साथ लगभग 1:30 बजे सब्जियां लेने के लिए दसनपुर MPSC यार्ड जाने के लिए मालवाहन में यात्रा कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि सब्जी विक्रेता नियमित रूप से MPFC यार्ड में सब्जियां लेने आते थे और अपने होम टाउन में बेचते थे। गौरतलब है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ड्राइवर को नींद आ रही थी और वह ओवर स्पीड में चला रहा था, जबकि केबिन में मौजूद ड्राइवर और 3 लोगों को मामूली चोटें आई। वही केबिन के बैठे 3 लोगों की मौत हो गई। राहगीरों ने दुर्घटना देखी और पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। बाद में क्रेन की मदद से वाहन को बाहर निकाला गया। विशाखापट्टनम में 18 महीने बाद ड्रम में मिला महिला का कटा हुआ शव। पुलिस ने सोमवार को करीब 35 साल की एक अज्ञात महिला का शतविशत शरीर के अंग बरामद किए। हत्या के बाद टुकड़े टुकड़े कर दिए शव को शहर के मधुरा वाड़ा स्थित विंगुलका कॉलोनी स्थित एक घर में प्लास्टिक के ड्रम में भर कर रखा गया था। हालांकि हत्या मई 2021 में हुई बताई जा रही यह घटना 18 महीने बाद रविवार देर रात सामने आई। हत्या की खबर सुनते स्थानीय लोगों ने हड़कंप मच गया है। पुलिस को शक है कि करीब 4.5 फीट लंबी यह महिला सेक्स वर्कर होगी। हालांकि वह मई 2021 के बाद वापस नहीं आया। रमेश ने पुलिस को बताया कि उसने घर के किराए के लिए ऋषि से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिला। रमेश ने आखिरकार घर की फर्नीचर को दूसरे को किराए देने पर फैसला किया। फर्नीचर हटाते समय उसकी नज़र ड्रम पर पड़ी और उसने उसे खोला। उसने शरीर के सड़े हुए हिस्से और लंबे बाल देखे और पुलिस को सतर्क किया। हम पीड़ित की पहचान स्थापित कर रहे हैं और विजय नगर और श्रीकुलाकुलम के शहर और उसके आसपास के लापता मामलों की पुष्टि कर रहे हैं। शरीर के अंगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।